ऐसा तो दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलोन मस्क के साथ क्या हो गया है कि उनको बर्गर बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हम हमेशा अपनी वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ाते हैं, इसीलिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब से इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार्स बनाना शुरू किया है, तब से इन्होंने भोकाल मचा रखा है। देखिए, इलेक्ट्रिक कार्स में इंजन तो होता नहीं है कि पेट्रोल खत्म होने पर पेट्रोल भरवाया और झट से चल दिए। इनमें होती है बैटरी, जिसको डिस्चार्ज होने पर या तो स्वैप किया जाता है या इसको चार्ज किया जाता है। क्योंकि स्वैपिंग स्टेशन बहुत कम है, तो आपको 90% टाइम इसको चार्ज ही करना पड़ता है और चार्ज करने में लगते हैं 30 से 40 मिनट। गाड़ी के चार्ज होने का वेट करते करते लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और कुछ लोग तो अपनी इलेक्ट्रिक कार बेचकर दोबारा से पेट्रोल वाली गाड़ी ले लेते हैं और चार लोगों को और बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक कार कभी मत लेना। इसीलिए इलोन मस्क अपने चार्जिंग स्टेशन पर खुद के ही रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, जिससे कि लोग चार्जिंग का वेट करते हुए खाना पीना खाएं और बोर ना हो और इलेक्ट्रिक कार्स की नेगेटिव मार्केटिंग ना करें। क्या सच में एक दिन इंजन वाली कार्स बिकना बंद हो जाएंगी? कमेंट्स में बताइए।